तो आज जो है मैं पहली बार ड्रैगन फ्रूट खाकर दिखने वाली हूँ। मैंने सबको बोल के रखा था कि इस फ्रूट को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, मुझे वीडियो बनानी है। तो ये ऐसा फ्रूट है कि डेफिनेटली किसी ने नहीं चखा है। Hi, welcome back to my channel. So, here I have a dragon fruit today. और ये मैं काफी दिनों से देख रही थी, बट मैंने कभी सोचा नहीं इसको खाने का। और मैंने पंकज को बोल के रखा था कि ये देखो कौन सा फ्रूट है, हम इसको डेफिनेटली कभी तो भी खाएंगे। एक दो बार देखा था, बट ये इतना महंगा था कि ऐसा लगता था यार पता नहीं कैसे लगता है क्या है, ऊपर से इतने पैसे खर्च करो, नहीं पसंद आया तो। बट आज फाइनली सरप्राइजिंगली पंकज जो है मेरे लिए ड्रैगन फ्रूट लेकर आए। ये मोस्ट प्रोबेबली अभी रेनी सीजन है, उस टाइम पे ज़्यादा आता है। एंड दिस इज नॉट आवर फ्रूट, मतलब इंडिया में अभी अभी ग्रो होने लग गया है कुछ लोकल प्लेसेस पे जहाँ से ये आता है। अभी ये कहाँ से आया है ये पता नहीं, बट ज़्यादातर ये ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। मैंने इसके थोड़े वीडियोज देखे हैं, तो वीडियोस में ज़्यादा कुछ नहीं है। इसे कैसे ग्रो करा जाता है, कहाँ मिलता है प्लांट, ये वो ऐसे वैसे उस बारे में ज़्यादा बताया गया है। सबसे पहले हमें धोना पड़ेगा बहुत अच्छे से, तो चलिए अभी एक एक प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। पहले इसको धोते हैं। सबसे पहले इसको हम सॉल्ट वाटर से धो लेंगे अच्छे से, बाहर से इसको धोना पड़ेगा हमें। तो चलिए पहले अभी इसको वॉश कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ पानी, ये देखिए पानी मैंने ले लिया है। इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा सॉल्ट, इसको हम ऐसे मिला लेंगे। जब मैं वीडियोस देख रही थी तो पता है मुझे क्या दिखा, तो ये एक्चुअली ड्रैगन फ्रूट जो है ये सिर्फ ऐसे पिंक कलर में नहीं होता है, इसका कवर कभी कभी येल्लोइश कलर में भी आता है और आई गेस डार्क रेडिश पिंक ऐसे कलर में भी। अब ये जो है दिस इज ग्रीन पिंक येल्लो ऐसे मिक्स वाला है। तो और सरप्राइजिंग ये है कि जब हम इसको कट करते हैं इस फ्रूट को, तो अंदर या तो ये वाइट कलर का उसका जो मतलब एक्चुअल फ्रूट जो रहेगा दैट कैन बी ऑफ वाइट कलर और इट कैन बी ऑफ डार्क पिंक कलर, ठीक है। तो ऐसा है, और इसके टेस्ट के बारे में बताया जा रहा है कि जो हम लोग के कीवी फ्रूट होते हैं या फिर वाटरमेलन वगैरह होता है तो उस तरह से इसकी टेस्ट आती है। तो वाटरमेलन मुझे कुछ खास इतना पसंद नहीं है और कीवी मुझे अच्छा लगता है बिकॉज वो थोड़ा खट्टा मीठा होता है। तो उनका बताना है कि मतलब ये वैसे ही कुछ टेस्ट करता है। तो अभी जब हम इसको कट करेंगे और खा के देखेंगे तो टेस्ट हमें पता चलेगा ही। तो चलिए फटाक से इसको कट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स इसे कट करते हैं हम लोग। अभी इसके दो तरीके दिए हैं कट करने के। सबसे पहले एक्चुअली इसके यहाँ के जो एंड के एजेस है ये हमें कट करने हैं, मतलब साइड टू साइड इन हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये ऐसा सीधा है फ्रूट और ये ऐसे है, तो सबसे पहले ये साइड से दो तीन बार हमें कट कर लेना है। और उसके बाद जो है या तो हम ऐसे इसको कट करेंगे या तो फिर वर्टिकली हम इसको कट करेंगे। तो अभी मैंने सोचा नहीं इसको मैं कैसे कट करूंगी, सबसे पहले इसके एजेस निकाल लेते हैं। वन स्टेप दिस यू कैन सी, ओ मुझे पता चल गया इसका कलर कौन सा है, दिस इज डार्क पिंक कलर। ओ नो शिट, ये पिंक दिखा यहां से ये देखो, बट दिस इज ऑफ व्हाइट कलर। वाओ आई एक्चुअली वांटेड इट व्हाइट। सो देखिए ये जो होल होता है ये जहां तक के एंड तक के जाए वहां तक के हमें कट करना है। तो हमने आई गेस अच्छे से इसको वन साइड से कट कर लिया है। नाउ विल गो फॉर द सेकेंड साइड। ओके सो यस ऑलराइट दिस इज डन। ये आप देख सकते हैं ये पूरा अच्छे से कट हो गया है यहाँ पर। अभी इसको जो है हम ये करेंगे। बेबी बताओ
अभी इसको ऐसे वर्टिकल काटूं या इसको ऐसे काटूं? आई गेस वर्टिकल वुड बी मोर बेटर, है ना? इसके पीसेस भी अच्छे हो जाएंगे तो. ओके, थोड़ा अभी स्टिकी स्टिकी लग रहा है मुझे तो. एनीवेज चलिए अभी कट करते हैं. ओके, 1, 2, 3. डार्क पिंक एंड दिस इज व्हाइट कलर. ये दिखने में कितना प्रीटी दिख रहा है गाइस, कैन यू सी इट? बहुत ही प्यारा लग रहा है एकदम. मतलब ये तो पूरा स्नो दिख रहा है और स्नो में ये काला काला क्या बोल सकते हैं, क्या है. तो अभी आपको मेन चीज ये बताती हूँ कि ये कट तो हमने कर लिया है ऐसे. ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, एकदम नरम है, आप देख सकते हैं. मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ये बहुत ज्यादा नरम है. तो चलिए अभी इसको मैंने देखा था, अब जो है ये इजीली हमें पील करना है. ये बहुत इजीली निकल जाता है. तो आइए मैं दिखाती हूँ. सो ओके, हियर वी गो. वो कुछ इस तरह से था. और पास लो बेबी. वाओ, या इजंट दिस सो नाइस एंड गुड? ओ माय गॉड, ये देखो उसका पिल. शो मी उसका पिल कितना इजीली निकल गया. मुझे लगता है यार कट करने की वैसे जरूरत भी नहीं थी. अगर थोड़ा हम उसको ऐसे प्रेस करके ये कर देते तो निकल जाता, बट हमें वैसे नहीं करना था. तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से. ये बहुत ज्यादा स्लिपरी है और बहुत ज्यादा अच्छा है. तो चलिए अभी इसको अब हम कट करते हैं. तो मुझे लगता है अभी इसके आगे तो हमें जैसे इसको शेप देना है, जैसे भी कट करना है, वैसे हम इसको कट कर सकते हैं. ओके, वाओ, माय नेल पेंट एंड फ्रूट कलर इज मैचिंग. ओके, सो आई जस्ट कट इट दिस वे. ओके, ये तो बहुत ही इजीली कट हो रहा है. इसको हाफ ही करूँ या तीन half टुकड़ों में? ओह शिट, अभी तो मैंने इसको कर दिया. चलो कोई बात नहीं. ओ माय गॉड, उप्स. चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही मैं दिखा देती हूँ. ये देखिए, वाह 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 वाह, कितने ज्यादा सीड्स हैं इसके अंदर, कितने प्यारे लग रहे हैं ये. ओके, सो दिस इज हाउ इट इज. वाह, बढ़िया लग रहे हैं. ओके गाइस, तो मैंने हाफ इसको कट कर लिया है, क्यूब में काट दिया है. इसको मैं अभी रखती हूँ फिलहाल साइड में. और ये एक मैंने अभी पीस ले लिया है यहाँ पर. आई एम गोना ट्राई दिस फॉर द फर्स्ट टाइम. आई होप आई लाइक इट. वैसे ये फ्रूट, हाँ बताया ना आपको, बहुत महंगा मिलता है. तो देखते हैं अभी ये महंगा फ्रूट मतलब उतना वर्थ है कि नहीं. दिस इज लवली, आई एम लविंग इट. हाउ इज द टेस्ट? एक्सप्लेन इट. या लेट मी जस्ट फील इट. नो, या इट्स एक्चुअली वेरी नाइस. इस फ्रूट को एक्चुअली कैक्टस फ्रूट भी बोलते हैं, क्योंकि मैं आपको फोटो में दिखा देती हूँ इसकी पिक. तो इसका जो प्लांट होता है, बताते हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल वाला होता है. मतलब बहुत ही अच्छी स्मेल आती है उस प्लांट से. और उसके जो प्लांट्स हैं, मतलब अभी कैसे बताऊँ आपको, आपने कैक्टस तो देखे ही होंगे, कैक्टस के प्लांट्स वगैरह, तो एकदम सेम वैसे होते हैं, एकदम ऐसे लंबे लंबे. और फिर उसको यू नो काफ़ी सारे कांटे होते हैं और उसको ये ऐसे फ्रूट्स लगते हैं. दैट्स व्हाई वी कॉल इट द कैक्टस फ्रूट ऑल्सो. और इसका दूसरा और नाम है, मतलब जो इंडिया में इसको जिस नाम से जाना जाता है, तो वो है पिटाया. तो इसको पिटाया भी बोलते हैं या फिर मोती फल भी बोलते हैं. आई गेस मोती फल इसलिए क्योंकि जब हम इसको कट करते हैं तो ये पूरा ऐसे वाइट कलर में निकलता है. एक्चुअली काश अगर मैं इसको बिना कट करे यू नो ऐसे पूरा का पूरा पील करती तो ये बहुत अच्छा लगता, मतलब मोती जैसे ही दिखता, राइट? तो दैट्स व्हाई आई गेस इसको मोती फल भी कहा जाता है.
और इसके अंदर ये जो ब्लैक सीड्स है ना, खाते टाइम ये ऐसे क्रंची लग रहा है मुंह में. सो दिस पार्ट इज ऑल, आउटर पार्ट इज वेरी सॉफ्ट और इनसाइड के जो सीड्स है वो ऐसे क्रंच हो रहे हैं पूरे. सो अच्छा लग रहा है. उतना ज्यादा मीठा भी नहीं है, उतना ज्यादा खट्टा भी नहीं है, इट्स इन बिटवीन. बट आई एम लाइकिंग इट, इट्स रियली गुड, इट्स नाइस. ओके, अभी इसके सीड्स के बारे में मैं बताती हूँ आपको. कुछ बेनिफिट्स दिए हुए हैं, तो ये फ्रूट का बताया जाता है कि बेनिफिट्स ये है कि इसके जो सीड्स है इसका ऑयल बनता है, और फिर दिस फ्रूट इज एक्चुअली वेरी वेरी मच रिच इन विटामिन बी सी, विटामिन बी, कैल्शियम होता है इसमें बहुत ज्यादा, इसमें ज्यादा आयरन होता है, सो मच ऑफ वी हैव ऑल्सो फाइबर, एक्चुअली फाइबर, कार्बोहाइड्रेट वगैरह इसमें बहुत ज्यादा है. तो एक्चुअली द पर्सन हु इज हैविंग डायबिटीज और समथिंग, तो उनके लिए ये बहुत काम करेगा, क्योंकि फाइबर ज्यादा होने के कारण जो है उनकी शुगर लेवल को जो है वो बताते हैं कि कंट्रोल करता है इसे. इट इज गुड फॉर योर हेयर, इट इज गुड फॉर योर स्किन. काफी लोग इसके मतलब कुछ कुछ यू नो स्किन प्रोडक्ट्स बना के वगैरह उसको भी लगाते हैं. अभी उतने ज्यादा डिटेल में मैं नहीं गई हूँ, मैंने उतना नहीं देखा है, बट हाँ ऊपर ऊपर के बेनिफिट्स ऐसे हैं. तो जब आप इसको खाते हैं तो इट रियली बेनिफिट्स यू दैट वे. और ऑब्वियसली कुछ भी ज्यादा खाने से जो है इसके इफेक्ट्स भी होते हैं, बट इतना कुछ नहीं है. सॉरी, उसमें स्पेसिफिकली ये बताया गया था कि ये फ्रूट जो है ये आपने खाना खाने के आधा घंटे पहले या फिर आधा घंटा बाद में ही खाना है, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन का जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है. सो दैट इज वाई यू नो. तो अभी हम लोगों को खाना खा के काफी टाइम हो गया तो उसके बाद ही जो है मैंने इसको कट करा है और हम इसे खा रहे हैं. तो ऐसे कुछ इस टाइप के बेनिफिट्स है इसके. सो सबसे ज्यादा इसमें कार्बोहाइड्रेट फाइबर्स बहुत ज्यादा मात्रा में, एंटी ऑक्सीडेंट डजंट वर्क भी करता है ये. सो इट्स ओवरऑल रियली गुड वन. नेक्स्ट टाइम जो है अभी मैं ट्राई करूंगी फाइंड आउट करने का. ये जो फ्रूट है अभी अंदर से व्हाइट निकला है, नेक्स्ट टाइम आई वॉन्ट इट इन डार्क पिंक कलर. वो भी खाकर देखेंगे. ज्यादा डिफरेंस उन्होंने नहीं बताया है. डिफरेंस ये है कि जब इसे खाते हैं तो ये नॉर्मल कीवी जैसा लगता है, और डार्क पिंकिश वाला जब खाते हैं तो इट इज मोर काइंड ऑफ अ लेमन. लेमन नो, मेलन, वाटरमेलन. वाटरमेलन जैसे बहुत ज्यादा जूसी होता है जब हम उसे खाते हैं, तो डार्क पिंकिश वाला जो होता है वो वैसे ही बहुत ज्यादा जूसियर होता है देन दिस वन, एज इट इज वेरी मच रिच इन फाइबर्स. तो ये जो है डाइजेशन प्रॉब्लम में भी मदद करता है, कैलोरीज आपकी बर्न करता है, दिस इज वेरी गुड फॉर द वेट लॉस ऑल्सो. और दूसरी बात ये है कि जब इसको खा लेते हैं, ऐसे बताया जाता है व्हेन यू ईट दिस होल वन फ्रूट, तो इसके बाद जो है वो ज्यादा भूख नहीं लगती. तो आई डोंट नो, तो आज मैं इसको ट्राई करूंगी. ऐसे भी आज हम रात में सोच ही रहे थे कि ज्यादा नहीं खाएं, तो लेट्स सी इसको जब खा लेंगे तो पता चलेगा कि भूख लगती है कि नहीं लगती है. और क्या रह गया, तो आई गेस दिस इज द वंडरफुल फ्रूट गाइस. एक बार तो ट्राई बनता है, आप भी खा के देखे. सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. वेट फॉर तीज हरतालिका व्लॉग एंड गणपति वाला व्लॉग. देयर इज सो मच टू कम इन. Stay connected. Bye-bye and take care. And if you are liking my videos, please, please, please do like, subscribe and share. See ya. Okay friends, so last thing about dragon fruit is कि अगर आप इसको कट करके आप इसको कट कर रहे हो, खा रहे हो और उतना ज्यादा खाया नहीं जा रहा है, या जो भी है बाद में खाना चाहते हो, तो इसको आप यहाँ पे बाहर ऐसे नहीं रख सकते हो. So once you cut, you have to refrigerate it. तो इसको फ्रिज में भी ऐसे रखना है कि आपको जो हम लोग के प्लास्टिक के जो ये आते हैं शीट्स वगैरह आते हैं, तो उसमें अच्छे से टाइट सील करके जो है इसको रखना है, तभी ये फ्रेश रहेंगे, नहीं तो फिर ये खराब हो जाते हैं. सो डोंट फॉरगेट इफ यू कट इट, या तो एक ही बार में फ्रेश फ्रेश खा लो, दैट रियली टेस्ट वेल.
और अगर नहीं खा पा रहे हो तो फ्रिज में इसको रखना, लेकिन प्लास्टिक में रैप करके इसको रखना, ठीक है।